स्वागत बंधन, आज हम शेमुषी द्वितीय भाग दसम वर्गाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पाठ सप्तमा सौहार्दम प्रकृति शोभा सद्भाव प्रकृति की शोभा है। इसके मैंने जितने भी आप लोगों के उसमें अनुवाद थे सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया। अब आज हम ये जो प्रकृति की शोभा इससे सबसे मिलकर होती है, तो मैंने आपको ये इसके बहुत अच्छे से अनुवादों को समझाया। आज हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम का मतलब होता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है वन राजा कई दुर्वस्था प्राप्त है, जो जंगल का राजा इनके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त हुआ, तो तुच्छ जीवन तुच्छ जीवों के द्वारा। फिर है कह वातावरण कर्कश ध्वनिना आकुली करोर, कौन वातावरण को कर्कश आवाज से अशांत करता है, क्या आएगा काका अर्थात कौवा। काम चेष्टा विद्यार्थी की दृष्टा छात्र मान्यते, कौवा जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है, आदर्श अर्थात आदर्श। का आत्मान बलशाली विशाल काय काय पराक्रमी जाति, कौवा अपने आप को बलशाली विशाल काय और पराक्रमी कहता है। कौन अपने को बलशाली और जो है अपने को पराक्रमी कहता है, कौन तो कौन वहां तो सब अपने आप को कह रहे थे, लेकिन विशाल काय और बलशाली कौन होता, गजा अर्थात हाथी। बका की दृशान मीनान क्रूरतया भक्षते, जो बगुला होता है तो उसकी जो क्रूरता होती है ना, तो कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है, बरा कैसी मछलियों को, बरा कान यानी बेचारी मछलियों को क्रूरता पूर्वक। अब आता है यहाँ पर अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ववाक्य लिखकर, नीचे लिखे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखिए। पहला दिया है निःसंशयम कः प्रकान्तः मन्यते, निश्चित रूप से कौन यमराज माना गया है, क्या आएगा इसका, यह सदा परई वित्रस्तान पीड पीड यमानां जंतुन ना रक्षति, सापांधिक रूपे निःसंशयम कृतांता मन्यते, जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह शरीर रूप में निश्चित रूप से क्या है, यमराज। बका वन्य जंतुनां रक्षो पयायान कथम चिंतितुं कथयति, जो बगला है वन की प्राणियों की रक्षा के उपायों को कैसे सोचने के लिए कहता है। बका वन्य जंतुनां रक्षो पयायान शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थिरप्रज्ञ स्थिता स्थित्वा चिंतयितुं कथयति, बगला वन के प्राणियों की रक्षा के उपायों को ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यान में मग्न निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित होकर सोचने के लिए कहता है। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किं वदति, अंत में जो प्रकृति माता प्रविश्य करके सबसे पहले क्या कहती है, अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति भो भो प्राणिना यूयं सर्वे एव मे संतति कथं मिथक कथं कुर्वन्ति त्वं युवां यूयं, माने सब ठीक है ना, तुम सब। अंत में प्रकृति माता प्रविश्य करके सबसे पहले कहती है, अरे प्राणियों तुम सब ही मेरी क्या हो, संतान हो, क्यों आपस में कलह करते हो। यदि राजा सम्यक ना भवती तथा प्रजा कथम विप्लवे, यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा कैसे,
यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र में बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है। मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित, जो मयूर होता है वो कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है? तो मयूर पिच्छानुद्गात्य नृत्य मुद्रायाम स्थित। मोर जो है पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होता, पंख फैल जाते हैं मोर के जब वो नृत्य करता है। अन्ते सर्वे मृत्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अन्ते सर्वे मृत्वा उनु कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो क्या आएगा, अस्मिन् नाटके द्वादश पात्राणि सन्ति, बारह, द्वादश माने बारह, इस नाटक में बारह पात्र हैं। रेखांकित पद मातृत्व प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है सेहा वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्था एवासी, शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ ही था। प्रश्न, अब इसका हमको क्या बनाना है, प्रश्न। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेह वानराभ्याम किमर्थम असमर्थः एवासि, ये बन गया प्रश्न। गजः वन्य पशुन तुदन्तं सुरेण ओधित्वा मारयति, हाथी वन्य पशुओं को तंग किया जाता हुआ मैं सूंड से पटक कर मारता। तो प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, गजः वन्य पशुन तुदन्तं के, क्या आएगा, के ओधित्वा मारयति, हाथी वन्य पशुओं को तंग किया जाता हुआ मैं किससे, पेन याने किससे पटक कर मारता है, सूर से, है ना। वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्य मन्यते, बंदर अपने को वनराज पद के लिए योग्य मानता है। प्रश्न मान क्या आएगा, वानरः आत्मानं कस्मै योग्य मन्यते, कस्मै याने किसके योग्य मानते, बंदर अपने को किसके योग्य मानता है। फिर है मयूरस्य नित्यं प्रकृते आराधना, मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। यहाँ पर जो दिया है प्रश्न निर्माण में, अब उसमें क्या आएगा, प्रश्न निर्माण में मयूरस्य नित्यं कस्य आराधना, मोर का नृत्य किसकी आराधना, सर्वे प्रकृति मातरं प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। प्रश्न निर्माण, सर्वे काम प्रणमन्ति, सभी किसको प्रणाम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना, ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आपको लिखना है कि शुद्ध कथनों के समक्ष में हाँ आम माने और अशुद्ध कथनों के समक्ष ना माने नहीं लिखे। इसमें दिया है पहले लिखिए सिंह आत्मानं तुदन्तं मानरं मारयति, क्या आएगा यहाँ पर, उत्तर दिया है ना, काका इति बकस्य ध्वनि भवति, तो ना का पितयो वर्णः कृष्णः भवति, हाँ हाँ सही। गजः लघुकाय निर्बला च भवति, जो हाथी होता क्या वो निर्बल होता नहीं, क्या आएगा ना। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षीकुलम् अवमानितं मन्यते, हाँ अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते, इसमें क्या आएगा इसका, हाँ इस प्रकार से ये परीक्षाओं में आप लोग भी पूछे जा सकते हैं, इसे आप इनको पढ़िए। अब दिया है मंजूषा समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी बोलिए, मंजूषा से उच्च शब्द सुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए।
पर ये जो शब्द दिए हुए हैं स्थित प्रज्ञा यथा सम्यक विद्या मेद्य भक्षिका आई भूकम आत्मशाले दीना और पिता मंजूषा माने ये जो आपको पोस्टर जो पेटी दी हुई है उसमें दिए हुए पहला है काका खालिस्थान भवती काका क्या आएगा मेद्या मेद्य भक्षिका देखिए यहाँ पर का फिर दिया है खा खालिस्थान पर भता अपी कथ्यति पिका क्या आएगा पिका ठीक है फिर है बका अविचला खालिस्थान इव तिष्ठति क्या आएगा स्थिर प्रज्ञा मयूर खालिस्थान इति नामना भी जायते क्या आएगा यहाँ पर अहि बुका बुलुका खालिस्थान पद निर्मिता चासी ठीक है ना आत्मशाली दिव्या सर्वे सर्वेशा में महत्वम विद्यते तो यथा सम्यम सम्यम यथा सम्यम वाच परिवर्तन कृत्वा लिखा यहाँ वाच परिवर्तन करके लिखना तो ये उदाहरण दिया है जैसे क्रुद्धा से है स्थिता धावती गर्जति चा क्रुद्धेन से स्थिता धावते गर्जते चा अब यहाँ पर देखिए दिए हैं अलग अलग दिए त्वया सत्यम कथयितम् सह सर्व जंतु प्रक्षति काका पिता संतति पालयति मयूर विधात्रा एव पक्षिणा धनराज कृता सर्वे खगै क्वापि खगै वनराज कर्तुं निश्यते स्म सर्वे मृत्वा प्रकृति सौंदर्या प्रयत्नं कुर्वन्तु अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको जैसे ये दिया है तो बाद में तो यहाँ पर क्या जाएगा त्वं सत्यं कथितवान् सेन सर्व जनता प्रक्षयन्ते काकेन पिता से संतति पाल्यते है ना मयूरम विधाता एक पक्षी राजम वनराजम वा कृतवान फिर सर्वे खगा तमपि खगम एव वनराजम अर्तुम इच्छन्ति स्म सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्न कृता सबको मिलकर प्रकृति की सौंदर्य मतलब सौंदर्य बना रहे ऐसा कार्य करना चाहिए अब यहाँ देखिए दिया है समास विग्रह समस्त पदम वाले आपको समास विग्रह तो समस्त पद लिखना है ठीक तो यहाँ पर दिया है तुच्छ जीवई क्या आएगा तुच्छ तुच्छ जीवई या तुच्छ जीवई वृक्षोपरि तो क्या आएगा वृक्षस्य उपरि पक्षाणां सम्राट पक्षी सम्राट स्थिता प्रज्ञा यस्सा क्या आया स्थित प्रज्ञा अपूर्वम नापूर्वम व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्र चित्रकौ च प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो प्रकृति सौहार्द शोभा वाला जो पाठ था उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ाया समझाया आप इसको कॉपी में लिखेंगे और याद